अल्लाम आलैकम आपकी खिदमत में हाज़िर है दोस्तों आज आपको ट्रैक्टर पे हाल चलाने का तरीक़ा सिखाने समझाने वाले हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना रहने हल कैसे चलाने हैं ट्रैक्टर पे क्योंकि जितने काम भी हैं ट्रैक्टर पे वो अलग अलग समझो हैं डिफरेंट किस्म के हैं ट्राली का, का काम है हल का, का काम है सब काम अलग हैं तो वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कर देना जब आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हल को एडजस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए हल बराबर होने चाहिए संगल को थोड़ा थोड़ा समझो कि बराबर ढीला रखना चाहिए टापलिंग को बराबर रखना चाहिए अगर हल नहीं लग रहे, तो टॉप लिंक को छोटा करना चाहिए और दूसरा हाल दे रहे हैं तो थोड़ा सा टॉप लिंक को लंबा कर देना चाहिए और जो गैप हम रखते हैं हल चलाते वक्त एक गैप फिर वो पूरा होता है दूसरा रखते हैं तो वो गैप तीन चक्कर का होना चाहिए समझो तीन फ्रेम का गैप होना चाहिए अगर तीन फ्रेम से बड़ा गैप है तो उसमें प्रॉब्लम है कि फेरोड वक्त टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इस तरह से गैप फासले ना रखें जैसे हल के साथ हल को बराबर रखना चाहिए आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं लेकिन शुरुआत में अगर कोई सीखे समझे ना तो बाद में बहुत मसला दिक्कत बनती है तो साइड पे बड़ा बराबर करके मोड़ना चाहिए हल के साथ हल को आना चाहिए खूबसूरत तरीके से भी हो सीधा भी हो सीधा हम कैसे चला सकते हैं आपने रैफल पर निशाना बनाया होगा कि वो तीन निशाने बराबर करने हैं एक रैफल का एक आगे समझो एक रैफल के ऊपर एक चीज़ होती है और एक आगे वाला जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं तो इस तरह से ये निशाने लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ट्रैक्टर को सीधा चलाने के लिए वो निशाने ज़रूरी हैं अगर फिट बिल्कुल सीधा रखना है तो शुरुआत में अगर आप सीधा ट्रैक्टर चलाने के लिए सही से सीख जाते हैं समझ जाते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं और जो आपने नया गैप निकालना है वो तीन चक्कर का बराबर होना चाहिए छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए अब देख लिया कि थोड़ा सा गैप है दो फुट का है उसके लिए पूरा फ्रेम आएगा तो ये जो नुक्कर है इसको काटते रहना इसको समझो कि काटना है जैसे वो एंड वाले चक्कर यहाँ से गुजरना है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके काटना है यहाँ से एकदम से मोड़ लेना है लंबा मोड़ नहीं का लोग क्या करते हैं कि एक साइड हल्की ऊँची कर देते हैं और एक नीचे रहती है कि साइड पे ट्रैक्टर आसान रहता है तो पूरे रकबे में फिर वो हल चलाने का ज़मीन में कोई फ़ायदा नहीं आता है हल को बराबर रखना चाहिए और साइड पे थोड़ा सा हल को नॉर्मल कर लें क्योंकि यहाँ पे तीन चार चक्कर आते हैं हल कम नहीं लगता है लेकिन थोड़ा सा इसे ढीला करके मोड़ लेना चाहिए हल को बराबर रखना चाहिए ब्रेक का इस्तेमाल बहुत कम करें ज़्यादा ना करें उस वक्त ब्रेक का इस्तेमाल करें जब देखेंगे वो टायर आगे समझो मिट्टी रेत वगैरह रख रहे हैं और कटाई नहीं ले रहा तो थोड़ा सा उसे समझो ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे वो फौरी मुड़ जाएगा और हल को बराबर लगाना है लीवर को सही से सीखना है कंट्रोल करना है एक ही जगह पे ऊपर नीचे करते रहना ये बहुत प्रॉब्लम है फिर हाथ समझो कि वो आदि बन जाता है ऊपर नीचे वो मसला बना रहे पीछे मत देखना कभी भी हल चला रहे हो कोई हट्राले का काम है पीछे देखना जो ड्राइवर देखते हैं वो ड्राइवर ही नहीं साइड पे देखना पीछे कोई रोड है कोई गाड़ी आ जा रही है तो लोग उस तरफ गौर करते हैं तो ट्रैक्टर टेढ़ा हो जाता है और काम करने बिल्कुल मज़ा नहीं आता है तो आप ये देख लें इसमें चक्कर आएगा बराबर पूरा चक्कर आएगा तो हल चलाने का ये मज़ा है अगर ये छोटा बड़ा हो जाए और एक समझो फुट दो फुट के लिए पूरा फ्रेम आए तो वो कितना टाइम ज़ाय होता है चार चक्कर का ये ना रखें समझो जो नया गैप आप बना रहे हैं वो चार चक्कर का ना रखें और इस साइड को काटते रहें वरना जब नया चक्कर यहाँ से गुजरेगा तो ये दो फुट गैप रह जाता है तो जब आप यहाँ से आते हैं इस साइड को काटते रहें फिर दूसरी तरफ आपने मोड़ना है जो साइड है साइड से फिर आपने सीधा करके लेके जाना है सीधा ज़रूरी है बहुत हल बहुत बुरे लगते हैं वो ड्राइवर का नाम ही सही से नहीं रहता जो सीधा ट्रैक्टर नहीं चला सकता सीधे हल नहीं चला सकता टायर को मत देखना साइड पे मत देखना पीछे मत देखना सीधा आगे उस निशाने को देखना है जिसको आपने टारगेट किया हुआ है कि उस तरफ आपने सीधा ले के जाना है कोई दरख्त हैं कोई समझो कि वहीं पे कोई किसी किस्म का निशान आपने थोड़ा जहन में रख लेना है कि हमने उस निशान में सीधा ट्रैक्टर को ले के जाना है जैसे रैफल का निशाना मैंने आपको बताया है इसी तरह है चाहे जितना भी लंबा ले के जाए समझो कि हज़ार फुट भी लेके जाएं जाएँ दो हज़ार फुट भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन वो निशाना आपके पास होना चाहिए कोई ट्रैक्टर भी है वो सीधा लेके जाना आसान है कोई समझो कि मुश्किल नहीं जब वो तीन गैप का रखा है ना तो उसमें समझो एक चक्कर लगा के फिर आपने नया आगे निकाल देना है तो वो कोई इतना वक्त टाइम नहीं लगता और तीन तरह के समझो कि सिस्टम है हल चलाने जैसे आपने देखा है और एक है दूसरा जैसे हम छोले की बिजाई करते हैं और एक और तरीका है वो भी आपको दिखाएंगे कि एक हल भी होता है दूसरा समझो कि दोनों हल एक दफ़ा ही हो जाते हैं उसमें दो हल आ जाते हैं बड़ा बेहतरीन आसान तरीक़ा है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर ये ही चलता है और इस पे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि एक साइड बड़ी कर दी एक छोटी कर दी हल टेढ़े कर दिए साइड पे समझो गैप बहुत सारे रह गए हल बराबर नहीं हुए डीजल का खर्च ज़्यादा आया ऊपर नीचे ज़्यादा किया एक ही जगह पर कंट्रोल करें सही से और शुरुआत में मैंने आपको कहा है कि शुरुआत में कोशिश करें सीधा चलाएं आगे देखें पीछे साइड ना देखें और जो इंजन के चक्कर हैं वो थोड़े जहन में रखने हैं कि कितने समझो कि वो लोड पे वज़न पे आ रहा है तो फिर पता चलता है कि पीछे हल कितने लग रहे हैं ट्रैक्टर पे कितना लोड है क्योंकि कुछ लोग पीछे देखते हैं कि क्या हल ऊपर तो नहीं हो गए उनके समझो कि जहन में ये बात सही से नहीं समझ आती है कि ट्रैक्टर के चक्कर लोड उसका देखना है कि कितना इस पर लोड है जो लोग लोड को समझते हैं वो पीछे कभी नहीं देखने और पीछे पीछे तो देखना बिल्कुल ट्रैक्टर आगे से टेढ़ हो जाता है कोई मजबूरी है समझो कोई आवाज़ आया है कोई पीछे से आ, कोई चीज़ वगैरह पड़ी है तो फिर आप पीछे देखें वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है और इस तरह की गैप ज़रूरी है कि तीन चक्कर का बराबर खूबसूरत करके ताकि कोई हल देखे उसे मज़ा आए और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार वो हल चलाते हैं तो कोई दिखने में कोई समझो कि उसमें मज़ा नहीं आर पी एम एक्सीटर उसको सोलह सौ सो पे रखना चाहिए चालू ट्रैक्टर जैसे चल रहा है वो सोलह सौ सो होनी चाहिए बेहतरीन अगर ज़्यादा रेस एक्सीटर रखेंगे तो फिर कंट्रोल नहीं होगा पीछे से झटके देगा अगर कम रेस रखेंगे तो फिर इंजन को नुकसान होगा सोलह सौ सो बहुत ही फीड ट्रैक्टर बेस्ट ही चलता है और इसी हिसाब से मैसी है या रूसी है वो भी देख लें नॉर्मल रेस ना ज़्यादा ना कम डीज़ल का खर्चा भी बराबर और हाइड्रालिक का कंट्रोल भी सही से रहता है लेकिन ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी सीखना चाहिए चार का रखें दो का रखें थोड़ा ये तजर्बे करके सीखना चाहिए जहन में समझो जहन को खोलना चाहिए कि ये छोटा सा गैप आपने देखा है ये नहीं होना चाहिए बराबर मोड़ें ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल टेढ़े हो जाएँगे फिर भी मज़ा नहीं आएगा ब्रेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है बस ऐसे मामूली सा ताकि वो ट्रैक्टर को आराम से मोड़ ले वरना ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ट्रैक्टर डीजल भी ज़्यादा खाता है और उसकी स्टारियों को मसला भी ज़्यादा बनता है और काफ़ी सारे समझो हल भी कम लगता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं फिर ट्रैक्टर की ब्रेक भी ना किस जल्द ख़त्म हो जाती है कड़ा टूट है ये दो फुट का तीन फुट का गैप नहीं रखना चाहिए बराबर आना चाहिए वरना आप देख लें दो फुट का गैप है इसके पीछे ट्रैक्टर आ रहा है पूरा फ्रेम यहाँ पर लगाएगा तो ये अच्छा नहीं फिर इससे टाइम वक्त ज़्यादा लगता है ये दो फुट का गैप है ज़्यादा नहीं है लेकिन ये नहीं होना चाहिए फ़िक्स रखना चाहिए इस तरह का मुझे माशा बहुत शौक़ था कुछ और ड्राइवरों को भी देखा है कि बहुत शौक़ है बड़े शौक से हल चलाते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गफलत करते हैं और कोई मज़ा नहीं रहता है कोई उनका समझो कि फ़ायदा ही नहीं वो हल चलाएं ना चलाएं आगे शिगिर्द बनाएंगे वो भी नहीं सीख पाएगा ना एक उस्ताद अच्छा बन गया तो फिर उसके आगे जितने शगिर्द बनेंगे वो भी अच्छे बनेंगे और सही से अगर कोई शगिर्द है उस्ताद है उसे पूरी पूरी समझ होनी चाहिए कि हमने क्या क्या करना है वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब करना अल्लाह हाँ।